गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का कौन कौन से प्रकार मैट्रिक्स के होते हैं, मैट्रिक्स का योग किस प्रकार से निकाला जाता है और मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से निकाला जाता है, ये हमने पिछले दो वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में किस प्रकार से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज लागू होते हैं उसको देखेंगे, यानी मैट्रिक्स के जो हम एडिशन मैट्रिक्स का करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का करते हैं, उसमें क्या क्रम विनिमय गुणधर्म और सहचार्य गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ लागू होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है। क्रम विनिमय, देखिए क्रम विनिमय गुणधर्म, पहले आप इसको समझिए। तो गुणधर्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यानी ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। या ये तो एडिशन में, और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ए बी बराबर होना चाहिए बी ए के, तो हम बोलेंगे कि गुणा में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। इसी प्रकार से a प्लस बी और b प्लस a का जोड़ एक ही होता है, तो हम बोलेंगे कि जोड़ में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। इसी प्रकार से सहचर्य गुणधर्म क्या होता है, सहचर्य गुणधर्म यानी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए और बी में सी जोड़ दें या बी और सी में ए जोड़ दें, वी विल गेट इक्वल रिजल्ट। और मल्टीप्लाई में अगर इसको लिखें तो ए बी में अगर आप सी का मल्टीप्लाई कर दें या ए का मल्टीप्लाई कर दें बी और सी में, यू विल गेट इक्वल रिजल्ट। तो ये तो क्रम विनिमय गुणधर्म है, ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए, अगर इसको गुणा में हम लागू करेंगे तो ए बी बराबर होना चाहिए बी ए के। सहचर्य गुणधर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के, और ए बी के साथ सी की गुणा करें या बी सी के साथ ए की गुणा करें, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये गुणधर्म है। अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स के जोड़ में और बाकी में कौन कौन से गुणधर्म लागू होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स के जोड़ में, मैट्रिक्स के जोड़ में क्रम विनिमय गुणधर्म। ये देखते हैं हम लागू होता है क्या। तो देखिए हम लेते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म, ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के। तो हमने ए मैट्रिक्स मान लिया 1 2 -2 3, बी मैट्रिक्स मान लिया 2 3 0 -1, तो हमको क्या करना है ए प्लस बी, तो ये होगा 1 प्लस 2, इसका दूसरा अवयव दूसरे अवयव से, इसका तीसरा अवयव तीसरे अवयव में जुड़ेगा, इसका चौथा अवयव चौथे अवयव में जुड़ेगा, तो ये आएगा 3 5 -2 2। और अगर मैं बी को पहले लूं बाद में ए को लूं, तो पहले बी वाला देखेंगे 2 बाद का ए 1, बी का अवयव 3 बाद का अवयव 2, बी का अवयव 0 बाद का अवयव 2, बी का अवयव -1 सेकेंड का अवयव 3, तो इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 3 5 -2 और 2। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो ये प्रूव हो गया, देखिए ए प्लस बी का भी जोड़ वही आया, बी प्लस ए का भी जोड़ वही आया, इसका मतलब है मैट्रिक्स के जोड़ में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। अब हम देखें सहचर्य गुणधर्म को चेक करते हैं। सहचर्य गुणधर्म क्या होता है, सहचर्य गुणधर्म होता है, ये एक और सी ले लिया हमने 3 2 5 6, ओके। अब हमको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी के, ओके। तो a प्लस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 1 और 1 3, देखो 1 और 2 3, 2 और 3 5, -2 में 0 जोड़ेंगे -2, 3 में -1 जोड़ेंगे 2, और इसमें c जोड़ देते हैं
सी आएगा आपका 3, 2, 5, 6। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 और 3, 6, 5 और 2, 7, -2 + 5, 3, 2 और 6, 8। ओके, ये हुआ आपका ए प्लस बी। देखिए ये ए प्लस बी था, इसमें हमने सी जोड़ दिया तो ये आया, इसलिए मान आया ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब हमको लेना है बी प्लस सी। बी और सी को जोड़ेंगे तो आएगा 2 और 3, 5, 3 और 2, 5, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, -1 में 6 जोड़ेंगे 5। ये बी प्लस सी आया, प्लस इसमें ए जोड़ेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी 5, 5, 5, याद आ जाएगा हमको। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने यहां ए रखा 1, 2, -2, 3, और बी प्लस सी भी अपन ने निकाला था आएगा 5, 5, 5, 5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 1, 6, 2 और 5, 7, -2 में 5 जोड़ेगा तो क्या बचेगा 3, 3 और 5, 8। तो ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये प्रूव हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी के, यानी मैट्रिक्स के जोड़ में सहचर्य गुणधर्म भी लागू होता है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ आया और ए बी और सी में ए जोड़ेंगे तो बी ए जोड़ा है। इसका मतलब मैट्रिक्स के जोड़ व बाकी में जोड़ में दोनों ही गुणधर्म लागू होते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स की गुणा में देखते हैं, मैट्रिक्स की देखिए लिखें, तीसरा पॉइंट है मैट्रिक्स की गुणा में क्रम विनिमय गुणधर्म। तो चेक करते हैं, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 2, बी मैट्रिक्स हमने मान लिया 0, 2, 1, 2, ये 2 × 2 है, ये भी मल्टीप्लाई 2, ये इसका पीछे का हिस्सा इसका, तो ए भी का हमने गुणा किया। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से तो 2 × 0 + 3 × 1, पहली पंक्ति का दूसरे से 2 × 2 + 3 × 2, दूसरी पंक्ति का पहले से तो 1 × 0 + 2 × 1, फिर 1 × 2 + 2 × 2, तो ये आपका हुआ 3, 6 और 4, 10, ये आपको हुआ 2, 4 और 2, 6, ये 2 × 2। अब b को आगे रखें तो आएगा 0, 2, 1, 2, और a को पीछे रखें 2, 3, 1, 2, तो b गुणा a करेंगे क्योंकि ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो गुणा हो सकता है। तो लिखेंगे 0 × 2 + 2 × 1, अब इस पंक्ति का इस कॉलम से तो 0 × 3 + 2 × 2, इस पंक्ति का पहले कॉलम से तो 1 × 2 + 2 × 1, फिर 1 × 3 + 2 × 2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहां तो आएगा 2, यह आएगा 4, यह आएगा 4 और यह आएगा 7। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 देखें तो ए बी बराबर नहीं है बी ए के, क्योंकि ए बी का मान ये है, बी ए का मान ये है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की गुणा में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। क्लियर। अब देखिए क्रम विनिमय के अलावा सहचर्य गुणधर्म को हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा ये है, सहचर्य गुणधर्म मैट्रिक्स की गुणा में लागू होता है क्या, उसको हम चेक करेंगे। सहचर्य गुणधर्म क्या होता है, ए बी को सी से गुणा करें बराबर होना चाहिए ए गुणा बी गुणा सी। ओके, ये सहचर्य गुणधर्म है। तो हमने एक बना लिया ए मैट्रिक्स बनाया, मान लो 5, 0, 2, 3, ये मैंने 2 × 2 का बनाया। बी मैट्रिक्स मैंने बना लिया
2 0 1 -1 2 3, ये मैंने मान लिया 2 × 3 का। सी मैट्रिक्स और एक मैंने मान लिया 3 − 2 1 0 2 1, ये मैंने 3 × 2 का मान लिया। सपोज कीजिए अब हमको एबी को सी से गुणा करना है और बीसी को ए से गुणा करना है। तो सबसे पहले मैं एबी लेता हूं, एबी का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये इसका पिछला हिस्सा, इसका पिछला हिस्सा और इसका आगे का हिस्सा बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, तो 5 × 2 + 2 − 1, 5 × 0 + 2 − 2, 5 × 1 + 2 − 3, ओके। फिर 0 × 2 + 3 − 1, 0 × 0 + 3 − 2, 0 × 1 + 3 − 3, तो ये आपका हो गया 5 × 10 × 10 = 8, ओके। माइनस का 3 रहेगा, इसके बाद में 4 6 6 और 5 11, और ये आएगा 9, ये आपका हो गया 1 × 2 × 3, ओके। अब आपको क्या करना है, ए बी गुणा सी, ए बी को आपको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ए बी लिख दिया, ए बी लिख दिया 8 4 11 − 3 6 9, ये 2 × 3, यहां मैंने सी लिख दिया 3 0 − 2 2 1 और 1, ये मल्टीप्लाई हुआ 3 × 2, तो इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब गुणा हो सकता है, गुणा हो सकता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा लिखता हूं 8 × 3 + 4 × −2 + 11 × 1, 8 × 0 + 4 × 2 + 11 × 1, −3 × 3 + 6 − 2 + 9 × 1, −3 × 0, फिर 6 का 2 से, +6 × 2 + 9 × 1, तो ये आपका मान हो जाएगा, देखिए 11 24 27 होगा, देखिए ये तो 24 25 35 35 से 8 निकलेगा तो आ जाएगा 27, ये 0 है, 8 11 और 8 19, ये आपका होगा 9 9 से 9 आपका चला गया तो −12, सीधा ही कर देते हैं 27 11 और 8 19, और ये आपका 9 से 9 गया तो −12, और ये आ गया 9 और 12 21, तो ये आपका हो गया ए बी गुणा सी का मान आया 27 19 − 12 21, अब देखिए आपको क्या करना है, बी गुणा सी गुणा ए, तो सबसे पहले B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये इसका हिस्सा, ये इसका हिस्सा इसके बराबर है तो B C मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो B गुणा C इस पंक्ति का कॉलम से, तो 2 × 3 + 0 × −2 + 1 × 1, 2 × 0 इस पंक्ति का दूसरे कॉलम से + 0 × 2 + 1 × 1, −1 × 3 + 2 × −2 + 3 × 1, फिर आप लिखेंगे −1 × 0 + 2 × 2 + 3 × 1, तो ये आपका मान आ जाएगा 6, ये 0 और 1 7, 0 0 1, ओके। −7 3 से 3 गए −4, ओके। 4 3 7 ये आपका 7,